चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बिहार विधानसभा के बाहर रह जाते हैं, उनको कैसे हम स्कूलों तक पहुंचाएं। जब 2005 में हम लोगों ने काम संभाला था तो उस समय लगभग 12.5% बच्चे स्कूलों के बाहर रह जाते थे, खास करके 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग के। उनको स्कूलों में पहुंचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, नए स्कूल खोले गए, जो हमारे स्थापित विद्यालय थे, प्रारंभिक विद्यालय, उनमें नए वर्ग कक्षों का, क्लासरूम का निर्माण किया गया, शिक्षकों का बड़े पैमाने पर नियोजन किया गया, यह सब कार्य किया गया और उसका परिणाम बेहतर आया। और जब स्कूलों के बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में कमी आने लगी तो फिर जब हम लोगों ने यह समीक्षा की कि अभी भी सबसे ज्यादा बच्चे किन तबकों के हैं जो स्कूलों के बाहर रह जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि या तो महादलित समाज के लोग हैं या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तो उनको स्कूलों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने विशेष योजनाएं चलाई, उत्थान केंद्र और तालीमी मरकज, इन सबों का परिणाम था। और फिर बच्चों को स्कूलों की तरफ आकृष्ट करने के लिए उनके लिए और कई कार्यक्रम, पोशाक से लेकर छात्रवृत्ति तक की योजनाओं को व्यापक बनाया गया। नतीजा हुआ कि बच्चे स्कूलों में जाने लगे और अब स्कूल के बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 1 से 2% के बीच में रह गई है। हमारा प्रयास जारी रहेगा, लेकिन इसके बाद हम लोगों ने देखा दूसरी हमारे सामने समस्या थी कि बच्चा अगर स्कूल में जा भी रहा है तो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, जिसको हम ड्रॉप आउट कहते हैं। तो इस समस्या को हल करने की कोशिश की गई और इस प्रकार से हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक कई कदम उठाए जिसका परिणाम अच्छा आया। और जब हम लोगों ने यह महसूस किया कि लड़कियां कम जा रही हैं स्कूलों में, खासकर प्राथमिक विद्यालय तक तो वो पढ़ती हैं 5वीं कक्षा तक, लेकिन मध्य विद्यालयों में भी लड़कियों की संख्या कम है, तो लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, बालिका पोशाक योजना। इसका जब हम लोगों ने अध्ययन किया तो ये पाया कि गांव में गरीबी के कारण माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। 5वीं कक्षा तक तो किसी प्रकार का कपड़ा पहनकर वो चली जाए, काम चल जाता है, लेकिन 6ठी क्लास में पहुंचते पहुंचते लड़कियों की आयु इतनी हो जाती है कि उसके लिए ठीक ढंग का वस्त्र चाहिए। माँ बाप को अपनी बेटियों को देने की स्थिति में नहीं रहते थे और उसका परिणाम होता था कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद करते थे। इसलिए हम लोगों ने बालिका पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियों की संख्या बढ़ी और फिर 9वीं क्लास में जाने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो उससे भी लड़कियों की संख्या बढ़ गई। आज लड़के और लड़कियों की संख्या बढ़ती गई स्कूलों में और खास करके लड़कियों के मामले में कल तक, यानी 1 साल पहले तक हमने ये महसूस किया था कि सेकेंडरी स्टेज में जाकर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों की संख्या अभी भी लड़कों की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन प्रसन्नता हुई जब इस वर्ष में 2015 में लड़के और लड़कियों की संख्या 9वीं क्लास में लगभग बराबर हो गई। जब हम लोगों ने साइकिल योजना के राशि की मंजूरी दी और उस समय वो सारे आंकड़े आते हैं कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो हम लोगों ने देखा कि 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या अब हो गई है 8,15,000, जहां लड़कों की संख्या है 8,28,000। जो हमारा 6 रेशियो अगर उसको हम देखें तो उस हिसाब से आनुपातिक दृष्टिकोण से अब तो लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा हो गई। एब्सोल्यूट टर्म में भले ही थोड़ा अभी भी कुछ हजार कम है,
लेकिन प्रभावी रूप से अगर हम इसको देखें तो संख्या ज्यादा हो गई, तो इससे ज्यादा कोई प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। और जब हम इस स्टेज तक पहुंचे और फिर जब हमने मिशन मानव विकास की स्थापना की और उसके लिए कौन कौन से अनुश्रवणीय बिंदु होंगे, मॉनिटरेबल पॉइंट क्या होंगे, तो उस समय इसका जब हम अध्ययन कर रहे थे तो उस समय हमने देखा कि हमारे यहां जो बढ़ती हुई आबादी है, हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वह बहुत ज्यादा है, अगर 3.9, आज तो उसकी संख्या घट गई है, अब 3.2 के करीब पहुंच रही है। लेकिन जो हमने देखा कि हमारे यहां फर्टिलिटी रेट ज्यादा राष्ट्रीय औसत की तुलना में, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब हमने देखा कि देश भर में मैट्रिक पास तक पढ़ी हुई लड़की, 10वीं कक्षा पास लड़की अगर है तो फर्टिलिटी रेट देश भर में 2 है और बिहार में भी हमने देखा कि 2 है। और जब +2 तक गए तो हमने देखा कि देश का राष्ट्रीय औसत फर्टिलिटी रेट का 1.7 है और बिहार में 1.6 है। तो हमने लगा मुझको लगा कि यह तो रास्ता मिल गया। आज जो हम परिवार को नियोजित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाते हैं वो चलने चाहिए, चलते रहेंगे, लेकिन हमने देखा कि अगर कोई चीज प्रभावी हो सकती है तो वो हो सकती है शिक्षा लड़कियों की। और इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में +2 स्तर का उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। और सिर्फ यह हमारे प्रजनन दर को ही नहीं कम करेगा बल्कि इसके साथ साथ लड़कियां जब पढ़ जाती हैं तो भ्रूण हत्या की शिकार नहीं होती। आज भ्रूण हत्या होती है लड़कियों की, लोग पता लगा लेते हैं कि लड़की होने वाली है लड़का, भले ही यह गैर कानूनी हो लेकिन लोगों को पता चलता है। और भ्रूण हत्या, तो अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो भ्रूण हत्या की शिकार नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ जो बाल विवाह की कुप्रथा चल रही है और जिसके चलते लड़कियों के सेहत पर बुरा असर पड़ता है, समाज पर बुरा असर पड़ता है, दुनिया भर में बाल विवाह के खिलाफ एक व्यापक अभियान चल रहा है, तो हमने देखा कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो बाल विवाह के लिए तैयार नहीं। और ऐसे कई उदाहरण आए जहां कहीं भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ था, उन जगहों पर हमने देखा अपने बिहार में भी कि बाल विवाह के खिलाफ महिलाओं का संगठित विरोध प्रकट हुआ। तो ये विषय ऐसे थे जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी था, तो मानव विकास मिशन के जरिए हम उन बातों को ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब तक जो भी काम किए गए वो हमने एक जिसको कहते हैं कंसर्टेड एफर्ट, बिल्कुल केंद्रित करके हम लोगों ने प्रयास किया। और वह यह किया कि जो बच्चे स्कूल के बाहर रहते हैं वो स्कूलों में जाएं, लड़कियां स्कूल में पढ़े, ड्रॉप आउट घटे, लोग 12वीं कक्षा तक पढ़ ले, तो इस पर काम किया हम लोगों ने सबसे अधिक। उच्च शिक्षा पर भी हमने ध्यान दिया, नए विश्वविद्यालय बनाए गए, नए इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए, सब कुछ किया गया। जो हमारे स्थापित विश्वविद्यालय हैं उनके लिए जो राशि का प्रबंध था वह सब किया गया। लेकिन मुझको ऐसा लगा कि आज हम लोगों ने सारा प्रबंध कर दिया है कि लड़का हो या लड़की वो 12वीं कक्षा तक पढ़ ले, 10वीं तक तो जरूर, 12वीं के लिए अभी प्रयास हो रहा है, जारी। लेकिन इसके आगे संख्या घट जाती उच्च शिक्षा में, और उसका कारण फिर गरीबी। इसलिए हमने जो 7 निश्चय किया उसमें पहले निश्चय का महत्वपूर्ण अंग है कि अब कोई भी स्टूडेंट, लड़का हो या लड़की, अगर वो 12वीं के आगे की पढ़ाई करना चाहते, जारी रखना चाहते हैं, तो हर किसी को 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रबंध है ताकि माँ बाप पर बोझ बने बगैर वो आगे की पढ़ाई कर ले, पूरी कर ले। तो इसलिए हमारा बहुत महत्वपूर्ण वह अवयव है
सात निश्चय के पहले निश्चय का, और इसके अलावे युवाओं के लिए रोजगार पाना आवश्यक है। अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो सारा प्रयास निरर्थक है। इसलिए वो रोजगार पाने के लायक भी बने। अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वहां जाए, कोई अगर अपने कौशल का विकास करके स्किल डेवलपमेंट के बाद रोजगार करना चाहता है तो वो करे। इसलिए दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है स्किल डेवलपमेंट, और उस संकल्प उस निश्चय में है कि हम सारे बिहार के युवाओं को स्किल्ड करेंगे, और हमारा मिनिमम न्यूनतम कम से कम हर इच्छुक युवा को हम लोग कंप्यूटर पर काम करना सिखा देंगे। कंप्यूटर ज्ञान, क्योंकि आज की दुनिया में आप पढ़ जितना भी लीजिए लेकिन अगर कंप्यूटर ऑपरेट करना आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको कोई काम मिलने में बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए हर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान जरूर हो जाए, बुनियादी ज्ञान। और इसके अलावे हमने देखा है कि हमारे बिहार के युवा मेधावी, इस देश में चाहे किसी भी प्रकार का इम्तहान, चाहे वो नौकरी पाने के लिए इम्तहान होता हो या बड़े संस्थानों में नामांकन के लिए एडमिशन के लिए इम्तहान होता, सब में बिहार के बच्चे सबसे अधिक संख्या में पास करते हैं। तो मेधा है हमारे यहां, लेकिन जो हमारे बिहार के बच्चे हैं उनको हम देखते हैं कि उनके अंदर एक हीन भावना, और वह हीन भावना अंग्रेजी को लेकर है। चूंकि अंग्रेजी बोलने में वो पारंगत नहीं रहते, तो ज्ञान बहुत रहता है उनको, सोच बहुत है, समझ बहुत है, लेकिन ये जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो उसके चलते उनके मन में एक हीन भावना रहती है। इस हीन भावना से निकालना चाहते हैं, और ये काम की शुरुआत हम लोगों ने महादलित विकास मिशन से की। महादलित विकास मिशन के जरिए जो महादलित युवाओं के लिए तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट का काम किया जा रहा, उनके माध्यम से एक प्रोग्राम चला स्पोकन इंग्लिश का भी। और चुनाव के कुछ समय पहले की बात है, श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम था महादलित विकास मिशन के द्वारा आयोजित। उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था और मैंने देखा कि एक महादलित युवा ने 4 मिनट तक अपनी बात अंग्रेजी में कही। उस समय मेरे मन में यह भरोसा जगा कि यह कारगर हो सकता है। इसलिए हमने यह भी संकल्प लिया कि भाई हर युवा को, इच्छुक युवा को, हम ये जो संवाद कौशल है और जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है जिसको कही स्पोकन इंग्लिश, ये कोई कठिन चीज नहीं है। यहां पर हम लोगों के यहां मौजूद हैं या नहीं, एजीआई जी यहां होंगी या नहीं होंगी, वो इसी विषय में पढ़ाती हैं। एक दिन चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ से तो हिंदी से भी ज्यादा आसान है अंग्रेजी बोलना सीखना, तो यह सब कुछ करना पड़ेगा। मेधा की कोई कमी नहीं, लेकिन यह जो एक हीन भावना है इससे हम उबारना चाहते हैं। इसलिए हमारे एक निश्चय में यह भी, इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, बड़े काम करने पड़ेंगे। और मुझको याद है हमने पहले भी इसके लिए बहुत प्रयास किया है कि इसके लिए प्रॉपर टीचर्स हों, तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे थे पहले से, लेकिन एक निश्चय हमने किया कि अभी करेंगे। फिर इसके अलावे बहुत सारे युवा जो आगे पढ़ना नहीं है उनको काम करना चाहते हैं, अब काम करना चाहते हैं कुछ, तो चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, घर के बाहर जाना पड़ेगा, हर बार उनको पैसा चाहिए। मां बाप गरीबी के कारण हर बार उनको पैसा देने की स्थिति में नहीं है। तो एक निश्चय हम लोगों ने यह भी किया है कि भाई जो भी युवा 20 से 25 साल के आयु वर्ग का होगा और वो काम करना चाहता है, काम की तलाश करना चाहता है, तो उसको 2 वर्ष तक प्रति महीने 1,000 रुपए का हम स्वयं सहायता भत्ता देंगे, ताकि वो इस पैसे से रोजगार की तलाश कर ले और मां बाप पर बोझ भी ना आए। कोई भी मां बाप एक बार पैसा दे देगा अपने बच्चे को, 2 बार दे देगा, बार बार वो कहां से इतना पैसा लाएगा।
इसलिए यह भी किया गया। हमारे बहुत सारे युवा जिनमें एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता है, वो किसी के यहां नौकरी करने के बजाय खुद कुछ उद्यम करना चाहते हैं, लेकिन उद्यम करने में उनको कई प्रकार की कठिनाई आती है। तो एक निश्चय हम लोगों ने यह भी किया कि 500 करोड़ रुपए का हम वेंचर कैपिटल फंड गठित करेंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार के उद्यमी युवाओं को सहायता दी जाएगी। तो बिहार विधानसभा में नीतीश अपने निश्चयों का बखान कर रहे हैं।